निमी देवी जी, आपने वो बच्चों से सीडी का वादा किया था, पैसे मिले आपको? ओ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने सिमरन को कह दिया, हो जाएगा। अरे बेटा, वो दुकान का लाइसेंस हो गया? बाबूजी, आज ऑफिस बंद था। बेटा, वो चुंगी का नया ऑफिसर बड़ा सख्त आदमी, कहीं दुकान न बंद करा दे। हाँ सिमरन, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। भाई साहब, कल सबसे पहला काम मैं यही करूंगी। क्या बात है सर, आप इतने अपसेट क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे प्ले को स्पॉन्सर कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। क्या? क्या? और प्रोड्यूसर साहब ने तो साफ साफ कह दिया, और खास कर लवली से कहने को कहा है कि अब अगला स्पॉन्सर यही कहीं से ढूंढ कर लाएं, वरना थिएटर में इन्हें अब आगे काम नहीं मिलेगा। स्पॉन्सरशिप किस बारे में? स्पॉन्सर पैसा लगाते हैं, तभी तो हमारे नाटक के शो हो पाते हैं। यानी कि हर नाटक के हर शो के लिए आपको स्पॉन्सर की जरूरत होती है? हाँ। तो फिर आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ये नहीं समझेगा, अब सोचो कि आगे करना क्या है। मुझसे थोड़ा सा नाराज होकर तुम मुझसे यूं भाग रही हो? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। क्या बात है कार्तिक, बिना कारण क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो ऑफिस की कोई बात याद आ। कार्तिक, हम कितनी बार कह चुके हैं कि जब ऑफिस में रहो तो घर के बारे में मत सोचो, और जब घर में रहो तो ऑफिस के बारे में मत सोचो। हर काम का अपना अपना वक्त होता है, समय से हर कार्य करना चाहिए। अभी तुम खाना खा रहे हो तो उसमें ध्यान दो और कुछ मत सोचो। जी माँ। बहुत सारी लड़कियों की फोटो है, उनमें से हमने कुछ लड़कियों की फोटो छाटी है, देख लेना। हम तो ये कह रहे थे कि वो अच्छी तरह से देख लेना बेटा। मां, मैं देख लूंगा। आनंद आ गया बहुत। ना। अरे बताओ भी। अरे बताना, क्या हुआ, लड़की मिली? अरे ना सिर्फ मिली, उस लड़की को तो मैं ऐसा सबक सिखा के आया हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगी। क्या, लेकिन कैसे? बताना बताना। अरे वही तो जानना है। भाभी जरा सब्र रखिए, सब कुछ ना डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ना अभी के लिए आप सिर्फ इतना सुन लीजिए कि वो जो लड़की है ना, अभी अपने घर के किसी कोने में बैठकर उस घड़ी को कोस रही होगी जब उसने झूठ बोलकर मुझसे पंगा लिया था। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने उस कार्तिक से पंगा ले लिया। बेशर्मो, हंस रहे हो? हंसो हंसो और हंसो। मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम दोनों की वजह से किया है, और बहुत बड़ी गलती की है करके। हंसो और जोर जोर से हंसो। ओके ओके ओके, सॉरी बाबा, लेकिन ये बात तो सच है, जो कुछ भी तूने हमारे लिए किया है ना लवली, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हाँ लवली, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन एक बात बता लवली, तू अब क्या करेगी? क्या करूंगी तान्या, अपनी फ्रेंड्स की इस गलत फहमी को दूर करूंगी, इस झूठ को दबाने के लिए इससे बड़ा झूठ बोलकर उनको तसल्ली दूंगी, और क्या करूंगी। तुम सब लोग इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? अरे तू वहां क्यों खड़ी है, तू भी इधर आना। अच्छा, लगता है स्पॉन्सर मिल गया है, तभी तुम लोग इतने खुश हो, है ना? गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। Oh,